आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट सेटअप बॉक्स और रिमोट आया है, इसको हम प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। इसको हम प्रोग्राम करेंगे, हमारे पास एक सैमसंग एलईडी टीवी का रिमोट है जिससे आज हम इसको प्रोग्राम करेंगे। सबसे पहले इंडिपेंडेंट सेटअप बॉक्स रिमोट के अंदर यहाँ पे सेट का की गिवन है जिसको हमें लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पे लाइट जली रहेगी जो शो करता है कि रिमोट जो है प्रोग्रामिंग मोड के अंदर आ चुका है। इसके बाद आपको वो वाला बटन प्रेस करना है जिसको आपको प्रोग्राम करना है। मान लीजिए हमें इस वाले बटन को पावर से प्रोग्राम करना है, सिंगल बार प्रेस करना है और उस पर पावर की को दबाना है। इसी तरह ये जो चार की है ये भी लर्निंग कीज़ है, इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। इसको सिंगल बार प्रेस करना है और उसके बाद वो वाला बटन दबाना है जिससे भी आपको इसको प्रोग्राम करना है। मान लीजिए हमें इसको HDMI से प्रोग्राम करना है। इसी तरह वॉल्यूम कीज़ है, इसको हमें प्रोग्राम करना है। वॉल्यूम माइनस को प्रोग्राम करते हैं पहले। इसी तरह वॉल्यूम प्लस। एक बार आप पूरा रिमोट प्रोग्राम कर लें उसके बाद सेट की को दोबारा दबाना है ताकि जो कोड आपने इसमें डाला है वो इसमें सेव हो जाए। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि दोनों रिमोट जो है उनका डिस्टेंस जो है कम से कम होना चाहिए ताकि ये वाला जो रिमोट है वो इजीली इससे कोड उठा सके।